हेलो गाइस, वेलकम टू अर्ज़ो एल्बेट्रोस। और मैं आपको कुछ टेयरिंग सा काम करने जा रही हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। वो ये है कि अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ, मेरे चैनल का नाम है अर्ज़ो एल्बेट्रोस, और एल्बेट्रोस का मीनिंग होता है फ्रीडम वुमेन, और डेयरिंग भी कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको डेयरिंग काम करने जा रही हूँ, जो कि मैं खट्टे खट्टे और अलग अलग टेस्ट के, और गंदे भी बीच में शायद आ जाएं, तो अच्छा टेस्ट करूँगी और मैं आपको उसका एक्सपीरियंस दिखाऊँगी। तो मैंने अलग अलग मतलब उसका टेस्ट बताऊँगी और सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? कौन सा अचार है और कौन सा टेस्टी है, कौन सा नहीं टेस्टी। चलो आ जाओ, ये भी ले लेते हैं ना, है ना, इसको भी ले लेते हैं। आ जाओ, कम ऑन। ये मेरे पास अचार है, ये है नींबू और हरी मिर्च का, और मेरे पास चलो भाई हो गया काम। ये वैसे सबसे बुरा अचार था, गंदा अचार था जो बदबू मार रहा था, और बहुत अच्छी बात है और ये गिर गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और मैं इसको वापस इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाना, इसे बदबू आ रही है इस अचार में से, गंदी एकदम, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सारे को पलट दिया, मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन कि इसका एक्सप्रेशन मेरे ऊपर क्या आता है। ये बहुत ही वाहियात अचार है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक और अचार है, ये है अदरक और लहसुन का, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, इसमें हरी मिर्च भी है और ये सिरके वाला है, ठीक है। देन मेरे पास है आम का अचार मीठा, जो कि तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, और लेकिन ये सबसे टेम्पटिंग अचार है। ये आम का अचार है, ये खट्टा अचार है, ये मैंने इसका बता ही दिया है। और मेरे पास हरी मिर्च का अचार है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का अचार है, मैं दिखा दूँगी अभी। और ये मेरे पास नींबू का मीठा अचार है, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे, ओके। ये गिरे हुए का कोई बात नहीं, अभी मैं निकाल रही हूँ सारे अचार। और ये आम का मीठा अचार है जो मैं निकाल रही हूँ। ओह, ये सबसे फेवरेट अचार है मेरा, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है बिकॉज हमारे पास अचार बहुत सारे हैं, ठीक है, और सारे अलग अलग है, मतलब इंग्रेडिएंट्स बेशक से थोड़े बहुत सेम है, ये मुझसे इस खर्ची से तो निकलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा हाथ से निकाल लेती हूँ। ये देखो, ये अदरक है, ठीक है, और ये सिरके वाली है, और यह है हरी मिर्च, पर टेस्टी है, ठीक है। और मैंने ये सारे अचार पीछे रखते जा रही हूँ, आई थिंक मैंने सारे अचार निकाल लिए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, ये मैं जो बोल रही थी ना, ये देखो, ये थोड़ी डिफरेंट हरी मिर्च है ना, तो इसमें क्या सिरका मिक्स है, अच्छा इसमें सिरका मिक्स है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है ये अचार ना, आई डोंट नो क्या है। तो अच्छा, और ये सबसे गंदे वाला अचार जो मैंने फेंक दिया था और मैंने उठा लिया इसको, तो इसमें मेरे पास प्याज है, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, मूली है, आए यक, और इसमें सड़ी गाजर है, ठीक है। मेरे को ना बहुत स्मेल आ रही है इस अचार में से, तो अभी मैंने सारे अचार निकाल लिए हैं। आई होप ये दोबारा गिर सकता है, आई होप मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए, मैं नेगेटिव हो, और ये चाटने के लिए ठीक है, ये मैंने रख दिया जूठे बर्तनों में। तो मेरे पास अब अचार आ गए, खट्टा, नींबू का अचार, हरी मिर्च, नींबू का मीठा अचार, और ये करौंदे का अचार है, खट्टा अचार है, और ये आम का अचार है मीठा, और ये मूली गाजर जो वही मैंने बताया था गंदा अचार, ये भी हरी मिर्च है, और ये भी हरी मिर्च और अदरक है, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ इन सब का कैसा है, ठीक। तो थोड़ा बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो 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 चलो। अभी देख लो, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ, सबसे पहले गंदा अचार टेस्ट करते हैं, क्योंकि ना उसके बाद अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा सा लगेगा। तो ये मैं प्याज का अचार, प्याज में तो स्मेल नहीं आ रही पर टेस्ट इज लाइक बहुत गंदा है, बहुत ही आई कट मतलब डस्टबिन, चलो बाद में फेंक के। अभी मेरे पास बहुत ही गंदा है,
अब मैं अदरक का चाट टेस्ट कर लेती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा है। ये बहुत टेस्टी अचार है, खट्टा है और अदरक है, बहुत टेस्टी है। और ये हरी मिर्च, ये जो हरी मिर्च है ना ये काफ़ी तेज़ है, इसमें सिरका मिक्स है और ये काफ़ी अच्छा अचार है और काफ़ी खट्टा भी है। अभी मैं उसके बाद ये अचार टेस्ट कर रही हूँ, ये आम का अचार मीठा है जो कि मुझे बहुत टेम्पटिंग लगता है, बहुत टेस्टी भी है, काफ़ी मीठा है और ये अचार काफ़ी टेस्टी है। मतलब उसको करने के खाने के बाद आप पक्का ऐसे तो करोगे। अभी मेरे पास है करौंदे का अचार, ये भी अगेन खट्टा होता है और ये बना भी खट्टा है। खट्टा खट्टा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत ही खट्टा है। अरे ये मेरे पास अब आ गया, उसका असर चल रहा है करौंदे का। नींबू का अचार जो कि मीठा है, काफ़ी अच्छा अचार है, उसको मैं ज़्यादातर खाती हूँ, इसकी चटनी खाती हूँ जो कि ऐसे चाट चाट के खाती हूँ, और पराठे के साथ, प्लेन पराठे के साथ, किसी चीज़ के पराठे के साथ नहीं, बड़ा प्लेन पराठे के साथ ये अचार बहुत टेस्टी लगेगा। उसके बाद मेरे पास ये हरी मिर्च का अचार है जो कि अभी हल्का कच्चा है, अभी ही डाला है, और ये मैं दिखाती हूँ। इसकी जो हरी मिर्च है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो एक्सेप्टेबल है इतना तो, और खा के दिखा सकती हूँ। खट्टा है पर ठीक है, टेढ़ा है पर मेरे हल्का सा अब लगा। नींबू का खट्टा जा रहा है, जब ये पका नहीं है देखो, ये काफ़ी अच्छा बनने वाला है। और हमारे घर में ना काफ़ी लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि जब अचार पक जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कच्चा कच्चा होता है ना तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मुझे लग रहा है इस मिर्च का असर आ रहा है, काफ़ी तेज़ लग रही है। अब मेरे पास एक लास्ट अचार बचा है जो कि हरी मिर्च का ही, सिरके का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आम के अचार का जो मसाला है वो डाला हुआ है, काफ़ी जूसी है ये। ऐसा मेरी मम्मी ने बोला था कि इसमें से स्पाइसी नहीं है, बहुत ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली में ना तीखा है ये अचार। तो मैंने अभी आपको ना सारे अचार टेस्ट करके बताए हैं, तो आई विल से कि मिर्ची का अचार के साथ आम का अचार खा लेना, ठीक है, ताकि वो मिर्ची ना लगे। अगर आपके पास ये मीठा अचार भी है तो मैंने अभी सारे अचार टेस्ट कर लिए, या अभी जो मीठा वाला, हल्का मीठा और हल्का खट्टा वाला हिसाब है उसके लिए मेरा रिएक्शन था। तो अभी के लिए रखती हूँ, मैं बोल रही थी फ़ोन रखती हूँ, यहाँ पे फ़ोन नहीं रखा जा रहा, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी इसी तरीके से कुछ डेयरिंग करने के लिए, और मैंने अभी कुछ सोचा है कि मैं आपसे डेयरिंग तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे हम, ठीक है, और आपको बताऊंगी किसका क्या टेस्ट है और किस ब्रांड की चीज़ अच्छी है, किस ब्रांड की मेरे अकॉर्डिंग टेस्टी नहीं है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।